नमस्कार, बिहार की आवाज में आपका स्वागत है। हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर से आ रही है, जहां उजियारपुर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में बुधवार 30 अक्टूबर को गरीब और असहाय छठ व्रतियों के बीच फल तथा साड़ी का वितरण सत्यनारायण सिंह कुशवाहा के द्वारा किया गया। समाज सेवी सत्यनारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि कार्यक्रम की शुरुआत में उजियारपुर विधानसभा तथा लोकसभा क्षेत्र के रामचंद्रपुर अंधेल पंचायत के चंदौली तथा कायस्थ टोला, लोहागीर पंचायत के रविदास टोला, महिसारी पंचायत के विषहर स्थान तथा चेता में दलित बस्ती में करीब 4 से 5 हजार महिला छठ व्रतियों के बीच फल तथा साड़ी का वितरण किया गया। समाज सेवी सत्यनारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि उनका लक्ष्य है कि उजियारपुर विधानसभा तथा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पंचायतों में तथा जरूरत पड़ने पर अन्य स्थानों पर भी वे गरीबों के बीच फल तथा कपड़ा का वितरण करेंगे, ताकि छठ व्रतियों को किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। श्री सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड के रांची में वर्ष 2009 में उन्होंने कुछ महिला छठ व्रतियों को देखा कि वे छठ पूजा करने के लिए लोगों से कर्ज लेती है। कुछ लोगों को उन्होंने व्रत की सामग्री की व्यवस्था नहीं होने पर रोते हुए भी देखा है। तभी से मेरे दिमाग में यह बात बैठ गई। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी कमाई का एक हिस्सा सामाजिक कार्य में लगाऊंगा। तब से लेकर आज तक 10 सालों से छठ व्रतियों के बीच फल का वितरण करना, गरीब परिवार की बेटियों की शादी करवाना, गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए लाइट की व्यवस्था करना आदि शामिल है। समाज सेवी सत्यनारायण सिंह कुशवाहा ने कहा कि आने वाले दिनों में दलित बस्तियों तथा गरीब बस्तियों में स्ट्रीट लाइट भी लगवाएंगे। इस मौके पर मनोज कुमार सिंह, सुरेंद्र प्रसाद सिंह, हीरा सिंह कुशवाहा, हरे कृष्ण सिंह, रूप नारायण सिंह, संजीत सिंह, शिव शंकर सिंह, सुबेदार बी राय, विपिन सिंह, जागेश सिंह, मुकेश सिंह, अभिनंदन सिंह, दीपक मिश्रा, चंदेश्वर सिंह, नागेश्वर सिंह, हरिहर सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। अभी तक के लिए बस इतना ही। कुछ देर बाद हम फिर हाजिर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक बने रहिए बिहार की आवाज के साथ। नमस्कार। आपके द्वारा फल वितरण किया गया छठ व्रतियों के बीच? पांचवा पंचायत है और जितना पंचायत हो सकता है। कौन कौन सा पंचायत? अभी महसारी हुआ है, लोहागीर हुआ है, उसके बाद चनौली हुआ है, उसके बाद अभी चैता में जा रहे हैं। चैता में अभी तक कितने लोगों के बीच वितरण कर चुके हैं? 4 से 5 हजार लोग को बीच वितरण कर चुके हैं और अभी करने का बचा हुआ है। कल का क्या प्रोग्राम है? कल का प्रोग्राम है पार मुख्तियारपुर, सलखन्नी, बेला में, सातनपुर, यही सब पंचायत है। उसके बाद फिर परसुर। क्या नाम हुआ? सत्यनारायण सिंह कुशवाहा। कितने दिन से कर रहे हैं? नौवां साल है ये। कैसी आपके मन में हुआ कि छठ व्रती के बीच फल और साड़ी बांटा जाए? छठ व्रती के बीच में हमको छठ का हम लोग रांची में कर रहे थे, तो वहाँ पर मैं देखे लोगों को बीच बहुत
उत्सुक थे, इसी के चलते हमको मन में हुआ जी नहीं हम गांव देहात में जो मेरा जन्मभूमि है वहां पर मैं भी जाके नेक कार्य किया जाए। महापर्व है छठ का, इसका कुछ सुनने में तो ये भी आया कि आपके द्वारा गरीब महिलाओं के बीच साड़ी का भी वितरण किया गया है। हाँ, गरीब जो गरीब है उनके बीच साड़ी का वितरण किया जा रहा है। हर पंचायत में 5 से 10 लोग जो भी निसहाय लोग हैं, निसहाय लोग हैं, उन लोग को बीच में साड़ी दिया गया। आदरणीय हमारे पर्यावरण के संयोजक महोदय चंदन कुमार जी के द्वारा जो पर्यावरण के क्षेत्र में जो सराहनीय कदम उठाया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और जनता भी खुश है। ये तो पर्यावरण से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित, जैसे कि पेड़ लगाना और पोलोथीन को हम लोग का जो मिशन है बंद करना, पोलोथीन को कितनों दिन हो जाए वह मिट्टी में गलेगा नहीं, जलाने पर प्रदूषण इतना खराब देता है जिससे कि अस्थमा बीमारी, जिसको दम्मा कहते हैं, तरह तरह की बीमारियां फैलती है। इसीलिए मैं चंदन कुमार जी और हमारे नेताजी, हमारे सहयोगी के नेतृत्व में मिल करके पर्यावरण को हम लोग का लक्ष्य जो है बचाना है और बीमारियों से राहत दिलाना है। बहुत धन्यवाद।